चाहो कान खोल के सुन लो, हमें नबी दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, देख के नबी को मानेंगे। मुस्तफा दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, क्योंकि नबी ना होते तो आसमान ना होता, नबी ना होते तो जमीन ना होती, नबी ना होते तो चांद सूरज ना होता, और जब चांद सूरज है तो नबी है, जब आसमान है तो नबी है, जब जमीन है तो नबी है। इसीलिए कलमा भी हम पढ़ते थे, कलमा नहीं पढ़ते कि नबी थे। हम जब कलमा कर पढ़ते हैं तो रसूल थे नहीं कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे हम माबूद कहते हैं, अल्लाह के बगैर माबूद नहीं है, अल्लाह ही माबूद है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जब है तब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, वारा हजरत अजीम उल बरकत पीर सैयद मेहरे अली रहमतुल्लाह अलैह है कि नहीं, मेरे वालिद गिरामी मोहद्दिस आजम के सोची भी के कायदे आजम मोहम्मद अली के ना के मौलाना शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली अब्दुल रब नश्ता सैयद मोहम्मद हाशमी तो मुझे भी देकर दो ताकि छुट्टी मेरे थे वे कहीं भी मिला आपने काजी आजम को थे क्यों कहा, अल्लामा इकबाल को थे क्यों कहा, मौलाना शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली को थे क्यों कहा, सरकार की मेहरे अली को थे क्यों कहा, वालिद बुजुर्गवार मोहद्दिस कचौचुरी को आपने थे क्यों कहा, और मेरे अंदर कौन सा सो आपका पल लगा जो आप हाँ कह रहे हैं, मैंने कितना खिलाया पिलाया आपको जो आप हाँ बोल रहे हैं, हैं मेरे सारे बुजुर्ग थे और हम हैं। ये तो मामला जुबान का है बाबू, क्योंकि जो इंतकाल कर जाए उसे थे कहते हैं, जिसका विसाल हो जाए उसे थे कहते हैं, जो एब्सेंट हो जाए उसे थे कहते हैं, जो मजलिस से चला जाए उसे थे कहते हैं, जो मुर्दा कह जाए उसे थे कहते हैं, जो मैं फिर से मुर्दा ना भी हो फिर तो हट जाए। अभी एक शायर यही बैठा हुआ था, एक शायर यही बैठा हुआ था, अब चला गई इस दिन जाकर इधर बोलो शायर साहब कहाँ है, अभी यही थे इतने के लिए गए तो थे हो गए, शाप करने गए तो थे बन गए, हटना तो थे उसे कहते हैं। गांधी था थे नहीं, नेहरू था पटेल था हाशमी है, अबे जो मर गया वो थे कहते, जो एब्सेंट हो उसे थे कहते, जो गैर हाजिर हो जाए उसे थे कहते, जो मस्जिद से चला जाए उसे थे कहते, जो मौजूद ना उसे थे कहते, हो जो जिंदा हो उसे है, मौजूद है तो है, हाजिर है तो है, नाजिर है तो है, अब बता कलमे में तूने क्या कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, रसूल है तो जब है तो जिंदा है, जब है तो मौजूद है, जब है तो हाजिर है, जब है तो है, जब है तो है, इतना बड़ा झूठा है। मुसलमान बनते वक्त कहता है हाँ, नमाज पढ़ते वक्त समझता है कब से है, कब कब लोगों ने कहा कि हाँ, हमें जो थे वो भी इनको कहते रसूल हैं, सिद्दीक अकबर थे, फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, अली मुर्तजा थे, लेकिन ये थे वाले भी जब सिद्दीक के जमाने में देखता हूँ तो अहद सिद्दीकी में कहा गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अहद फारूकी में कहा गया रसूल, अहद उस्मानी में कहा गया कि हैं, जुबान आदम पर अल्लाह के रसूल हैं।
खलील में अल्लाह के रसूल है, न बेटे मसीह में अल्लाह के रसूल है, मक्के में अल्लाह के रसूल है, और फिर राशिदीन के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, इमाम जैनुल आबदीन के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम मोहम्मद बाकर के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम जाफर साजिद के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम मूसा कासिम के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम तकी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, हाजी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, मूसा रज़ा के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, हजरत रज़ा के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, हसरत अली के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, गौसे आज़म के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, गरीब नवाज के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, ढाका लाहौरी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, बाबा फरीद के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, महबूब इलाही के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, आयत हिंद के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, साबित कलेजी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, मखदूम सम्राजी के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, अब्दुल हक औरदी देहलवी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम रब्बानी मुजद्दद फैसानी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, शाह वलीउल्लाह के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, शाह अब्दुल अजीज मौदी देहलवी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम फजल हैदराबादी के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, अब्दुल कादिर बदायूनी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम अहमद रज़ा के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, हुज्जतुल इस्लाम के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, मौलवी आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, मेरे जमाने में भी कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल है, मेरे बेटे के जमाने में भी कहा जाएगा कि अल्लाह के रसूल है, और बेटे के जमाने में कहा जाएगा कि अल्लाह के रसूल है, और कयामत तक कहा जाएगा कि अल्लाह के रसूल है, और कब्र में जाओगे तो वहां भी कहना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल है, महशर में जाओगे तो वहां भी कहोगे कि अल्लाह के रसूल है, और जन्नत में पहुंचोगे तो वहां भी कहोगे अल्लाह के रसूल है, अल्लाह जाने ये कब से है कब तक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आपसे है खत्म नहीं होता अल्लाह के रसूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मैं तुमको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, जब तक मैं हूँ मेरी जायदाद मेरे बच्चों में नहीं बढ़ेगी, रसूल की जायदाद कहाँ बढ़ी, जब है तो बढ़े कैसे, अब भी नहीं समझोगे, जब तक मैं हूँ मेरी बीवी निकाह नहीं कर सकती, हराम है, मैं जिंदा हूँ शोहर मौजूद है उसकी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है, अज़वाजे मुतहररात ने कहा निकाह दिया, जब है तो निकाह कैसे हो, अब भी नहीं समझोगे, इसका मतलब वो तो है लेकिन तू मुसलमान नहीं है, वो तो है बड़ी बात है, वाह 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 वाह, और कहाँ कहाँ है, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, अबे यही अव्वल है, यही आखिर है, यही बाकी है, यही जाहिर है, كنت نبيا وآدم بين الماء والتين ما توصى النبي تاج آدم not completed آبو گل لیتی بانی between water and flower at that moment I was prophet I was complete prophet and he was under progress in progress कंस्ट्रक्शन की पूरे तामीरें और तकलीफें आदम